कि ये कहानी शायद आए ना मजा, क्योंकि इसमें ना कोई रानी है ना कोई राजा। एक बेटी की लाश करती माँ से ये सवाल, गुनाह क्या था मेरा, क्यों हुआ मेरा ये हाल। ममता का वो आंचल जिसमें थी मैं पाली गई, सीखी जब से दुनियादारी कदमों पे खड़ी हुई। रोज सुबह सुबह पापा को टिफिन बनाना, उसके बाद सहेलियों संग कॉलेज पढ़ने जाना। घर पे लौट कर मैं रोज माँ का हाथ बटाती थी, मेरा बीता ख्वाब मैं एक टीचर बनना चाहती थी। संडे का वो दिन निकली दोस्त का बर्थडे मनाने, डैडी को किया कॉल, देर होगी घर पे आने। माँ आप खाना खा लो, मेरा इंतजार ना करना, सहेलियाँ होंगी मेरे साथ में बिल्कुल ना डरना। बस कह के ऐसा घर से वो निकल पड़ी, सजती सवरती हाथों में पहन घड़ी। जाते जाते रास्ते में ले रही थी केक, तभी कुछ ते हैवान जो वहाँ रहे उसे देख कुछ दूर तक आ गए वो। करते करते पीछा लड़की को हुआ एहसास, उसने रोकी एक रिक्शा, किसी तरह बच के उनसे दोस्तों में पहुँच गई। उसे लगा चलो भला मुसीबत ये टल गई, फिर क्या था बिजी हो गई करने पार्टी सेलिब्रेट, इसी चक्कर में बेचारी थोड़ी सीधी हो गई लेट। घड़ी में देखा तो रात के बज रहे थे 12, ऊपर से पापा का कॉल ना आ जाए दोबारा। बस सोच सारी बात, दोस्तों को कहा अलविदा, पार्टी तुम कंटिन्यू करो मुझे घर जाना होगा। कुछ ने कहा रुक जा अभी सेलिब्रेशन बाकी है, लड़की का जवाब मेरी माँ वहाँ पे जागी है। बस ऐसा कहते हुए वापस अपने घर चली, पर अनजान रस्ते में है मुसीबत पड़ी। रस्ते में रुकी रिक्शा का था इंतजार, आए कुछ लड़के होके बाइक पे सवार, वही थे जो उसका कर रहे थे पीछा। लड़की ने किया सवाल, क्या है आप लोगों की इच्छा, सुन के उसकी बातें ये दरिंदे उस पे हंस पड़े। उतरे जो नीचे उसके कपड़े खींचने लगे, देख उनकी गंदगी बेचारी थी ये डर गई। आंखें तो खुली ही थी पर अंदर से थी मर गई, देखे उनको धक्का कुछ दूर तक थी भागी। सुनसान थी सड़क और रात भी थी काफी, डरी सहमी बेबस घर पे कर रही थी फोन, खींचा मुँह पे रख के हाथ कर दिया उसे मौन। क्या हुआ वही हुआ जो सब सोच रहे थे, ये शैतान उसके जिस्म को थे नोच रहे। रो रही थी वहीं पे रही थी वो चीख, अपनी इज्जत की खुद से ही मांग रही थी भीख, दया की मांगी भीख, भैया प्लीज मुझे जाने दो, मैं आपके बहन जैसी तुम सब मेरे भाई हो। पर उसकी चीखें सुनने वाला वहां कोई ना था, ऊपर वाला तो है पर शायद वो सोया था, शायद वो सोया था। से बहाया खून फिर फाड़े गए कपड़े, फिर नोच नोच के एक जिस्म के कर दिए 100 टुकड़े। घिनौना खेल बस कुछ देर ही चला, आखिरकार तेरी बेटी ने दम तोड़ दिया। मेरे नंगे बदन को फेंक के सड़क के किनारे, भाग चले ये नामर्द अपने सर को छुपाने। कुछ समय बाद आया यहाँ एक भला इंसान, लेकर भागा मेरी लाश पास वाले अस्पताल। पर मेरा क्या था, मैं तो कब का थी गुजर चुकी, बस मेरी रूह थी माँ को ढूंढती हुई। मैं मरना ना चाहती थी, मैं जीना चाहती थी, माँ तेरे अरमानों को पूरा करना चाहती थी। क्या बेटी होना इतना बड़ा होता है गुना, किस हक से कोक को तेरी कर दिया सुना। अब किससे बांटेगी बता दे दिल का अपने टुकड़ा, दुनिया में नहीं रही तेरे जिगर का ये टुकड़ा। ऐ ऊपर वाले सुन मुझे जल्दी से तू ले जा, मेरी हालत ऐसी माँ का कहीं फटे ना कलेजा, मुझे ले जा माँ का फटे ना कलेजा। माँ बता जरा क्या गलती थी मेरी, तू तो कहती थी मैं प्यारी बच्ची थी तेरी, जरा देख इन दरिंदों ने क्या हालत कर दी मेरी। इज्जत लूटी मेरी, क्यों इज्जत लूटी मेरी, नन्नी कली तेरी कर चली तुझे अलविदा। मेरी यादें लेके और रोना ना तू मेरी माँ, बस मेरे लिए और आंसू ना बहाना करना ये दुआ। रू मेरी हो जाए रवाना, मेरे साथ जो हुआ उसका इंसाफ कौन करेगा, कल मेरे जैसे ना जाने किस किस का रेप होगा। गंदा है समाज, कहाँ गए सारे वो अच्छे लोग, काश पैदा होते ही तू मेरा गला देती घोट, मेरा गला देती घोट, मेरा गला देती घोट। एन आई रैंस्ट अ नॉर्मल गाय, रिक्वेस्ट अ गवर्नमेंट चेंज द रूल इफ यू वांट टू स्टॉप दिस हरसमेंट। इफ द रेप इज गेट कॉट देन व्हाट काइंड ऑफ इंक्वायरी, जस्ट किल द मैन द स्पॉट टू क्लीन द फ्यूचर डायरी।